हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग, यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपने प्लान किया है एक क्वालिटी हैचबैक को परचेज करने के लिए इस साल, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इसमें कंपेयर करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और फोर्ड की फिगो को। मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे स्विफ्ट के ZXI एंड ZDI मॉडल्स को फोर्ड के टाइटेनियम मॉडल्स के साथ। तो मैं वीडियो शुरू करूंगा कुछ अपने पॉइंट्स के साथ, जैसे कि ड्राइवेबिलिटी, सेफ्टी, फीचर्स, और लास्ट पे मैं करूंगा बात प्राइस की। और यहाँ पे मैं स्विफ्ट के जो ZXI ZDI वेरिएंट है उनको कंपेयर करने जा रहा हूँ टाइटेनियम वेरिएंट्स के साथ, जो कि इसी सेगमेंट में एक लोअर वेरियंट है। काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलेंगे, लेकिन ये स्विफ्ट के इक्विवेलेंट ही फीचर्स और सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है ज़्यादा ही करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो स्विफ्ट ZXI वेरिएंट आपको मिलता है एक्स शोरूम प्राइस 6,60,000 के आसपास, ये आप 61,000 भी मान सकते हैं। और अगर इसी को मैं कंपेयर करूँ फोर्ड के फिगो टाइटेनियम पेट्रोल वर्जन के साथ, तो वो आता है 6,00,000 रुपए में। मतलब यहाँ ही यहीं पे आपको 61,000 का डिफरेंस मिल जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं प्राइसेस की बात कर लूँ। अगर हम डीजल वेरिएंट की बात करें स्विफ्ट ZDI, तो वो आपको पड़ता है 7,58,000 एक्स शोरूम प्राइस के आसपास। और अगर यही मैं फिगो की बात करूं टाइटेनियम डीजल में, तो ये आपको पड़ता है 6,90,000। मतलब आपको यहीं पे अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का डिफरेंस मिल जाता है। तो मैं बात करूं सबसे पहले ड्राइवेबिलिटी की, तो ड्राइवेबिलिटी में दोनों ही गाड़ियां अच्छी ड्राइवेबिलिटी देती हैं, अच्छी ग्रिप देती हैं रोड पे, अच्छा कॉन्फिडेंस देती हैं। लेकिन अगर पहले मैं पेट्रोल की बात करूं, तो पेट्रोल इंजन में आपको स्विफ्ट में मिलता है 1200 सीसी का पेट्रोल फोर सिलेंडर इंजन, और आपको फिगो में मिलता है 3 सिलेंडर, वही 1200 सीसी का इंजन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन के मामले में ये थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है फिगो के मामले में, अगर हम देखें तो फिगो से बेहतर है यहाँ पे स्विफ्ट, जो कि ज़्यादा स्मूदर इंजन है, ज़्यादा ट्यून्ड इंजन है, ज़्यादा आपको स्मूथनेस देता है ड्राइव में। तो यहाँ पे नंबर ले जाती है स्विफ्ट पेट्रोल इंजन के मामले में। अगर मैं डीजल के मामले में बात करूं, तो डीजल में स्विफ्ट में आपको वही 1.3 लीटर यानी कि 1250 सीसी का फियर सोर्स इंजन मिलेगा, जो कि फिलहाल फिगो के इंजन के सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि फिगो में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि फोर्ड का अपना बनाया इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी ट्यून्ड इंजन है अपनी पुरानी फिगोज के मुकाबले। तो यहाँ पे डीजल के मामले में फिगो नंबर ले जाती है ओवर स्विफ्ट। अगर आपको डीजल में परचेज करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिगो का इंजन ज़्यादा बेटर आपको रिस्पॉन्स और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। और अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, तो फीचर्स यहाँ पे ढेरों फीचर्स हैं जो कि सिमिलर फीचर्स हैं। और सिमिलर फीचर्स से मैं अगर सबसे पहले सेफ्टी की बात करूं, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बराबर की सेफ्टी मिलती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। जैसे कि आपको दोनों ही गाड़ियों में 2 फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है। ये हैं जो सेफ्टी, जो नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स हैं, जो कि अब स्टैंडर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आउटर शेल की सेफ्टी की बात करूं, तो सबको पता है कि मारुति स्विफ्ट की जो आउटर शेल बॉडी है वो कैसी है, काफ़ी हल्की है। यहाँ पे फिगो एक बेटर ऑप्शन है, जो कि आपको आउटर शेल के मामले में ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर दूसरे फीचर्स की बात करूं, तो यहाँ पे अगेन फिगो किसी भी मामले में कम नहीं है स्विफ्ट से। अगर आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करो, तो दोनों में ही टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है। फिगो में आपको फ्लोटिंग टाइप मिलता है, लेकिन स्विफ्ट में आपको एक फिक्स्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप फीचर मिल जाता है। आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स दोनों ही कार्स में मिल जाते हैं।
अगर हम यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकली दोनों ही कारों की भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी ज़्यादा डाउन है या ये गाड़ी ज़्यादा अपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक दो फीचर्स ऐसे हैं जो आपको स्विफ्ट में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटो हेडलैम्प्स। ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्विफ्ट में, जो कि मेरे ख्याल से एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है। हम एक स्विच की हेल्प से भी लाइट्स ऑन कर सकते हैं। और हाँ, जो चीज़ आपको यहाँ पे फिगो में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको DRLs, डे टाइम रनिंग लैम्प्स, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे फिगो में। और दूसरा, जो हेडलैम्प्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हेडलैम्प्स हैं बल्ब वाले, वही मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिल पाएंगे, जो कि स्विफ्ट में आपको मिलते हैं। लेकिन ये कुछ लग्जूरियस फीचर्स हैं जो स्विफ्ट में आपके पास अवेलेबल हैं एट द कॉस्ट ऑफ 90,000 या 1,00,000 के आसपास। आपको यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है जब आप गाड़ी को ऑन रोड पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बड़ी ही सोच और समझदारी से एक निर्णय लेना होगा कि आपने कौन सी गाड़ी परचेस करनी है। यहाँ पे आपको कंपैरिजन सिर्फ दो ही चीज़ों का करना है, एक इंजन का और दूसरा सेफ्टी का। इंजन, अगर आप सीधा डायरेक्ट बात है कि अगर आप इंजन वाइज पेट्रोल गाड़ी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे स्विफ्ट की रिफाइनमेंट का मुकाबला नहीं है। अगर आप डीजल परचेज करना चाहते हो तो फिगो एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस में फिगो मिल जाएगी, दैट विल बी ए वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। आपको मैं ये कंपैरिजन करके भी बताता हूँ कि आपके लिए फिगो एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज कैसे है। अगर हम कंपेयर करें तो ZDI, अगर हम डीजल से शुरू करें तो स्विफ्ट ZDI आपको 7,58,000 का पड़ता है। इसके मुकाबले अगर हम टाइटेनियम फिगो की बात करें तो डीजल आपको मिलता है 6,90,000 का। अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपको स्विफ्ट ZDI मॉडल ऑन रोड लगभग 8,80,000 का पड़ता है लगभग। और यही मैं बात करूं फिगो टाइटेनियम की, तो ये आपको पड़ता है 7,80,000, मतलब 1,00,000 का डिफरेंस तो पहले ही है। फीचर्स सिमिलर, सेफ्टी सिमिलर, आपको सेगमेंट सिमिलर मिलता है, फिर भी 1,00,000 का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये, अगर तो आप इस टाइम जून में कार डिसाइड करने वाले हैं, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप अगर 3-4 महीने रुकते हैं, फेस्टिव सीजन की वेट करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और मिल सकता है। सुजुकी, मारुति सुजुकी का आपको हाल पता है कि फेस्टिव सीजन में भी ये कितना डिस्काउंट देती है। स्विफ्ट पे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10,000 से 30,000 का, मैक्सिमम डिस्काउंट की ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको डिस्काउंट मिलता भी है तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड 8,50,000 तक पड़ेगी। और अगर वही मैं फिगो टाइटेनियम की बात करूँ, फेस्टिव सीजन या ईयर एंड पे आप इसको परचेज करोगे तो 7,80,000 की तो वैसे ही ऑन रोड है। आपको इस टाइम पे भी आपको 40,000 to 50,000 किसी भी स्टेट में डिस्काउंट मिल जाएगा फिगो के ऊपर। और यही गाड़ी आपको जो 7,80,000 की है वो नियर अबाउट 7,30,000 या 40,000 की पड़ेगी। अगर आप फेस्टिव सीजन की वेट करते हो तो ये डिस्काउंट 70,000 से 90,000 तक बढ़ सकता है। ये वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स पर। अगर मैं 90,000 का भी डिफरेंस यहाँ पे काउंट करूँ तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल सकती है 6,90,000 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है? टाइटेनियम, डीजल, फिगो आपको 6,90,000 की अगर मिलती है, मान लीजिए 7,00,000 की भी मिल जाती है, और कंपैरिजन करें स्विफ्ट ZDI जो कि आपको 8,50,000 की मिलेगी, तो 1,50,000 का डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे कवर करोगे आप? सिमिलर सेगमेंट की कार, ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा आउटर शेल है इसका, मजबूत है, बाकी फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहे हैं, तो आप वाई टू वेस्ट 1,50,000 एक्स्ट्रा? तो आप ऐसे पे क्यों करोगे? तो बाद में हम ही कहते हैं कि मारुति की तो आफ्टर जो सेल्स है, जो रीसेल वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले ही आप 1,50,000 ज़्यादा खर्च कर चुके हो उस कार पे, तो जब वो बिकेगी तो ऑटोमेटिकली
ऐसे प्राइस पे एडजस्ट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इसकी रीसेल्स काफ़ी है। फिगो पे आप ऑलरेडी 1.5 लाख कम खर्च कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस भी फिक्स हो जाएगी, वो हमें कम लगेगी, तो हम कहेंगे कि यार फिगो की तो रीसेल्स ही नहीं है या फोर्ड की तो रीसेल्स ही नहीं है। यही हाल पेट्रोल वर्जन में भी रहेगा। अगर 1.5 लाख का डीजल वर्जन में डिफरेंस निकल रहा है तो कम से कम 90,000 से 1 लाख का डिफरेंस आपको पेट्रोल वर्जन में भी यहाँ पे मिलेगा अगर आप स्विफ्ट ZXI और फिगो टाइटेनियम पेट्रोल को कंपेयर करते हो एट फेस्टिव सीजन और ईयर एंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला वीडियो था। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इस साल एक हैचबैक, एक क्वालिटी हैचबैक आप लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए फेस्टिव सीजन तक या ईयर एंड तक अगर आप फिगो प्लान कर रहे हो। अगर आप स्विफ्ट प्लान कर रहे हो तो बेझिझक अब भी परचेस कर सकते हो क्योंकि मारुति आपको पता है ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं प्रोवाइड करता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।